कथा के महत्व को बताया गया है, कथा को क्यों सुनना चाहिए, कथा से कौन कौन से पाप नष्ट हो सकते हैं। हमारे दैनिक जीवन में कुछ पाप तो हो ही जाते हैं ना, होते हैं कि नहीं होते हैं, माताओं से पूछेंगे, हो जाते हैं। घर में काम करते हैं तो कुछ कीट पतंग भी मर जाते हैं, तो ये पाप होते हैं। तो इसीलिए पंच महायज्ञ बताए गए हैं, जो गौ माता को रोटी देना है, स्वान को रोटी देना है, चिड़ियों को दाना डालना है, इन सब जो कार्य हम छोटे छोटे करते हैं, अग्निदेव को भी एक छोटी सी आहुति देते हैं, तो ये पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी हम झूठ भी बोल लेते हैं तो ये भी पाप बनता है, और ये तो सबसे बड़ा पाप है। तो कथा श्रवण पान करने से कौन कौन से पाप नष्ट होते हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्यादहितवे तापत्रे अविनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् नमः। हम सभी जिनकी कथा सुनने जा रहे हैं, उनका स्वरूप कैसा है? तो भगवान का स्वरूप है सच्चिदानंद। देखिए, मन एकाग्र करके आराम से सुनते जाइए। मेरे गुरुजी बोला करते हैं कि अगर कोई पढ़ने वाला हो ना, तो मैं लकड़ी को भी पढ़ा सकता हूँ। तो मेरा आपसे ये कहना है कि अगर श्रोता सुनने वाले हैं ना, तो जो भी बोला जाएगा ना, बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। क्योंकि मैंने एक से अधिक बार निवेदन किया है कि भागवत कथा इतना आसान विषय नहीं है। व्यास भगवान की अंतिम रचना है, 18 पुराणों में सिरमौर हैं भागवत जी, कृष्ण तत्व से भरी हुई है भागवत जी, तो इतना आसान विषय नहीं है। कृष्ण को कौन समझ सकता है जो कृष्णमय हो सकता है? कृष्ण को वही समझ सकता है। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? सच्चिदानंद, सत चित आनंद। सत किसे कहते हैं? जो शाश्वत है, जो अनादि है, अनंत है। अगर एक शब्द में बोलो, जिसका किसी काल में कभी विनाश नहीं होता, वो सत है। जहां पर अज्ञान का लेश मात्र भी नहीं है, वो चित है। और जहां पर दुख का प्रवेश नहीं हो सकता, वो आनंद है। अच्छा, आप लोग बताइए, जो लोग साधना करते हैं, जो लोग भक्ति में जीवन व्यतीत करते हैं, क्या उनके जीवन में कोई दुख होता है? अगर आप लोग कहेंगे नहीं नहीं बहुत होता है, वो आपको देखने में लगता है। अगर भक्त से पूछो कि आपके जीवन में कोई दुख है, तो वो कहेगा नहीं नहीं हम बहुत सुख हैं। कहीं मीरा जी ने लिखा कि मेरे जीवन में बहुत दुख है? कभी मीरा जी ने शिकायत किसी से की कि मुझे जहर दिया गया? कभी मीरा जी ने शिकायत की कि मुझे सर्प से डसवाने की कोशिश की गई? कभी की? किसी ने पढ़ा, किसी ने सुना, किसी ने बताया? नहीं। भक्त के जीवन में आपत्ति आती है, मुसीबत आती है, लेकिन उन मुसीबत के ताप से भगवान हमेशा भक्त को बचाते हैं। द्रौपदी के जीवन में कितने कष्ट आए, क्या भगवान ने नहीं बचाया? हर बार बचाया। मैं हमेशा निवेदन करती हूं कि 100 कौरवों में एक भी नहीं बचा, और 5 पांडवों में एक भी नहीं मरा। क्यों? भगवान उनके साथ थे, और भगवान उसी के साथ होते हैं जो धर्म के साथ होता है। जिसके जीवन में धर्म है, उसके जीवन में भगवान है। और इसीलिए कहा जाता है कि धर्म का आश्रय लीजिए। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास।
इस संसार में न चिन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांत जीवना। इस संसार में सुख न राजा को है न महाराजा को है, अगर सुख है तो भगवान के भक्तों को ही है, जो एकांत मन बैठकर भगवान का भजन करते हैं। और कोई परेशानी आती है तो मुझे नहीं लगता कि वो औषधि के लिए भी स्पेशल किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सबसे पहले भगवान का नाम जाप करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी औषधि तो भगवान का नाम है।